हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये देख सकते हैं हमारा थर्ड फ्लोर पर एक छोटा सा फार्म बनाया वाला है मुर्गियों का, और ये जाली लगाई भी है, और ये थर्ड फ्लोर पर है ये पूरा पूरा। आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं जाली में से पूरा पूरा जाली से हमने घेर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये जाली लगाई है हमने, ये है ये आधा आधा इंच की जाली है, और ये जाली का थोड़ा खर्चा हमें ज़्यादा लग रहा था, इसलिए हमने एक नई किस्म की जाली लाई है। ये खेत में लगाते हैं लोग, ये नेट की जाली है, देख सकते हैं आप इस साइड से, इस साइड ये साइड आइए, नेट की जाली है। फ्रेंड्स, ये जाली बहुत सस्ती पड़ती है, ये देख सकते हैं जाली नेट की जाली है, ये जाली है, आती है 300 रुपये किलो से, और एक किलो में 140 फीट के करीब करीब ये जाली बैठती है। तो हमने ये जाली लाए थे, एक 1.5 किलो जाली में हमारा 33x50 का प्लॉट पूरा पूरा घेर चुके हैं हम, और ये देख सकते हैं एक साइड में भी जाली हमारी बाकी है लगाई, और ये जाली पूरे छत पर कवर करेंगे हम, और ये पूरा छत ये देख सकते हैं जाली, ये इस प्रकार की जाली रहती है, देख सकते हैं अपने अभी ये जाली लगाना बाकी है, जाली पूरी जाली हम इसको पूरा छत को पूरा कवर करेंगे, पूरा छत कवर हो बाद ये बहुत अच्छा दिखेगा। और ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा हमारे पास पिंजरा है, अगर कोई मुर्गियों में अगर इन्फेक्शन हुआ तो हम ये मुर्गियों को अलग रख कर उनको एंटीबायोटिक कुछ दवाएं मेडिसिन लगा कर उनको ठीक करते हैं। और ये देख सकते हैं मुर्गियाँ इसमें अंडे देते हैं, ये अंडों के लिए हमने ये एक रखा हुआ है, और ये छोटा सा का डब्बा है, और भी अभी हमें बनाने हैं। और उस साइड में देख सकते हैं, ये साइड में मट्टी देख सकते हैं आप, मुर्गियों को सुस्ताने के लिए ये मट्टी है, ये मुर्गियाँ पूरे सभी आंग पर मट्टी लेकर परों में से निकालते हैं अपने, और ये भी एक छोटा सा पिंजरा है, ये मुर्गियों को पूरा बैठने के अंडे देने के लिए ये बनाया हुआ है हम। हमारे पास अभी इस पीरियड में 10 से 12 अंडे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे अच्छे खासे अंडे निकलेंगे, 25-30 अंडे निकलेंगे। और भी हमारा दूसरा फार्म है, हमने खेत में बनाया है, यहाँ पर हमने हमारे पास टर्की है, और गिनीफॉल और डक, ये तीन का एक छोटा सा का एक फार्म बनाया हुआ है, वो फार्म का भी बराबर वीडियो डालेंगे हम। सब पूरा इसमें हम रात में मुर्गियों को और टर्की को अंदर कोड़ते हैं। ये हमारे पास और भी खेत में मेल फीमेल है, दो मेल फीमेल है, और तकरीबन 24-25 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो बच्चे थोड़े बड़े हो बाद हम वीडियो डालेंगे, अभी तो फिलहाल हमारे पास बिक्री के लिए नहीं है, अभी हमारा सेटअप बढ़ा रहे हैं हम। इस प्रकार से छोटा सा फार्म थर्ड फ्लोर पर बनाए हैं, देख सकते हैं पूरा खुला वातावरण है, यहाँ पे हवा ही हवा है रहती है हमेशा, और धूप ज़्यादा धूप अच्छी धूप रहती है। और ये फीड देख रहे हैं मुर्गियाँ, जो मुर्गी जो खा रही है फीड, ये फीड हमने घर पर ही बनाया हुआ है, बड़े ही चाव से मुर्गियाँ इसको पूरा पूरा ख़त्म कर देते हैं फीड को। और उसके अलावा हम भाजी जो मार्केट में जैसी भाजी आएंगी, तरकारी आएंगी, वो तरकारी भाजी, मेथी की भाजी फॉर एग्जांपल, गोभी, ये हम सभी प्रकार के इसको काट कर डालते हैं। और हमने इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था अजोला का, वो अजोला भी हम डालते हैं, अजोला मंगाया था कर्नाटक से हमारे दोस्त ने श्याम राव ने, और अभी अजोला का एक प्रोजेक्ट चालू है हमारा, अजोला पेरा हुआ है, अभी जब अजोला ज़्यादा बढ़ जाएगा तब हम मुर्गियों को खाने के लिए डालेंगे, और जब वीडियो भी बनाएंगे अजोला का तीन। सर, ये जो हमारा फार्म था इतना ही फार्म है, और आगे चल के हम ये फार्म को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, अभी फिलहाल तो हमने ये 20x20 में करा हुआ है, छत पर है ये, और आगे 33x50 में पूरा पूरा करने का प्लान है हमारा, और इस पर शेड डालने का इरादा है हमारा, थोड़ा थोड़ा करेंगे, एकदम पैसे नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके फार्म को बढ़ाएंगे। और हमने ऐसी
कम खर्चे में फार्म बनाया हुआ है,